देखो भाई सारे मकान टूट चुके हैं बद्रीनाथ की इस टाइम हालत, सौंदर्यकरण के चक्कर में सब लोकल वालों के मकान तोड़ दिए। घर में कॉफी पिएगा? पी ली मैंने पापा। आ गई हमारी क्या बोलते हैं गढ़वाली में, दाल भात खान चू। घर में दाल खाई रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। भाई कल रात ब्लॉग एंड सही से कर नहीं पाए, फिलहाल हमें बद्रीनाथ धाम के बाद गर्मी तो पहली बार बद्रीनाथ आया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बाबू को। और भाई अभी हम यहाँ सोनी का घर है उसमें मैगी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं और चलते हैं आपको भी दिखाते हैं सबको, क्योंकि थोड़ी सी कल ठंड लग गई पीछे इसलिए मैंने ब्लॉग जल्दी खत्म कर दिया ना। आ जाओ। कभी मजा आ रहा है आपको? ये भाई चाय बननी है भट्टी पे हमारी पहाड़ों वाली, और इसके साथ साथ मैगी बना रहा हूँ मैं, ये मैं नहीं बनाई था। ये देखो ये बन रही है हमारी मैगी बेहतरीन वाली, पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों के पानी से अलग ही मजा आता है। नहीं तो ये छोड़ कर रहे हैं, महीने बाद ऋषि के साथ ये तो गधा बनाते हैं काम करा करा के। कितना लालच है इसको, लालच नहीं है, पैसे ही सब कुछ है इसका। आप भी खुश होगी, मैं भी खुश हूँ, पैसा आ रहा है जेब में। ये इन्होंने नया घर बनाया है, पहले हम रुकते थे पीछे की तरफ मतलब मंदिर के बिल्कुल बगल में, सारे घर तोड़ दिए 500 और मंदिर का सौंदर्यकरण हो रहा ना वहाँ जाके दिखाऊंगा। रास्ता भी घुमा के कर दिया है इन्होंने, पूरे सारे घर उड़ा दिए यहाँ नए वाले घर में रुके हुए इनके। आप लोग भी बद्रीनाथ आ रहे हैं तो बहुत चीजें आपको बदली हुई मिलेंगी, जैसे कि आस पास के घर टूट गए तो रास्ते भी अब पहाड़ी के ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा, और एक ही गेट चालू है 3 नंबर गेट, पहले 2-3 गेट थे ना साइड से VIP दर्शन है, अब देखो कौन सा गेट चालू है जाके दिखाऊंगा। फिलहाल हम मैगी खा लें, चाय तो पी ली। एक बात तो बता, तेरी मम्मी का फोन आया था, ये क्यों पूछ रही थी कि ताई ने चाय दी ना दी? मैं फोन तो मैंने करा था। अच्छा ना दी चाय नहीं, मैं तो खुद बनानी पड़ रही है। ताई चाय नहीं दे रही है और क्या? तो क्या हो गया, बाला क्या बना नहीं सकता? यहाँ का भी खुद चाय बनाने से फायदा क्या है? और सुन ऊपर कमरे कितने रुपए मिल रहे थे? वो तो 1500 इनकम सोर्स है, साफ सफाई करने के 1500 रुपए दे रहे थे लेकिन करी नहीं इतने। ये आ गई हमारी मैगी खतरनाक वाली। वही रहा, गिर जाओ, गिर। भाई देखो आप लोगों ने बद्रीनाथ का हिडन वाटरफॉल देखा, देखो वो रहा था हमने कितना बेहतरीन है। ये देखो इतना बढ़िया झरना है भाई ये, और ये भाई देखो सारा काम सौंदर्यकरण का चल रहा है। ये देखो रोड पूरा तोड़ दिया, पहले हमारी गाड़ी वहाँ लग जाती थी उधर, ये बद्रीनाथ धाम सामने, और सारे घर वगैरह सब तोड़ दिए, और नर पर्वत नारायण पर्वत ये दो पर्वत है। मौसम चेक करो कैसा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये बद्रीनाथ धाम है। देखो पहले हम इस वाले घर में रुके थे और वो भी पता इनके ही थे, सारे घर तोड़ दिए, सौंदर्यकरण हो रहा पूरा, मतलब मंदिर के आसपास ना 50-100 मीटर तक खाली जगह एक ग्राउंड सा बनाएंगे, मास्टर प्लान में आपको वहीं मंदिर में पहुंच के दिखाऊंगा। देखो सब तोड़ दिया है, चारों के सबके घर टूट गए। अब हम लोग जा रहे हैं भाई
मंदिर की तरफ और तप्त कुंड में नहाने पहले फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। पहले जो रूम था ना टूटे हुए दिखाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, और बिल्कुल मंदिर के बगल में था, चढ़ाई करके आनी पड़ रही है पूरी, मतलब मंदिर के पीछे से जाके फिर एंट्री होगी। आज इसकी हालत देखो भाई, सारे मकान टूट चुके हैं बद्रीनाथ की इस टाइम हालत, सौंदर्यकरण के चक्कर में सब लोकल वालों के मकान तोड़ दिए। अब हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम के मंदिर पे, ये देखो। हम पहले जा रहे हैं नहाने तप्त कुंड में, फिर दर्शन करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं भाई बद्रीनाथ में, सब टूट चुका है। ये देखो ये मेन रास्ता है, और मौसम देखो पर बारिश भी आ रही है हल्की हल्की। जहाँ 9 टेम्परेचर है ना यहाँ, वहाँ खोलता हुआ पानी है तप्त कुंड। ये है भगवान बद्री विशाल की महिमा, और देखो बगल में से नदी इतनी भयंकर बह रही है, पूछो मत, ठंडा पानी बिल्कुल। तप कुंड भैया बढ़िया नहा धो लिए हैं, और ये हमारा घर बेटा है, हीरो बन गया शेर कुत्ता ही कहते हैं पापा, सब नहा लिए। आपको एक चीज दिखाता हूँ बहुत जरूरी, उस तप्त कुंड में भाई देखो ये है मेन स्रोत जहाँ पे पानी आ रहा है, इससे आएगा किसी को कुछ नहीं पता कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, इससे डाइवर्जन हो रहा है, वहां भी जा रहा है, इस कुंड में भी जा रहा है, लेडीज का कुंड अलग है, लेकिन यहाँ पे जमीन में से गर्म पानी आ रहा है, इसके अलावा कोई स्रोत नहीं है कि जहाँ पे पानी आए। देख सकते हैं लोग भगवान की महिमा, बगल में बिल्कुल ऐसे बारिश भी हो रही है और ठंडी नदी भी बह रही है, अलकनंदा है शायद, अलकनंदा रिवर भी बह रही है, और तप्त कुंड जहाँ भक्ति वहीं शक्ति है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है, हम यहाँ बैठे आए 1.5 घंटे, बड़ा शांति मिली मन को, बारिश हो रही है बार बद्रीनाथ धाम में।
आ गई हमारी क्या बोलते हैं गढ़वाली में दाल भात खान चू गर्मी दाल खाई रहा है और अब हम भी लंच कर लें। घर की दाल मिल ली और क्या चाहिए। उसका खाना आता अच्छा लगा जो यहाँ खाए। बी आर ओ वाले कैफे में है ना। और ऐसा लग रहा छोड़ दो। बस अब भाई खाना वाना खा लिया बेहतरीन तरीके से। गाड़ी के लिए आया था फोन, गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी, जान लगाई ना किसी का कुछ होगा, सो नहीं गया तो उसका फोन आया। गाड़ी का टाइम चलते हैं नीचे। बारिश आ रही है और मौसम ऊपर खतरनाक। मेरा मन नहीं कर रहा गाड़ी जाने को वापस। राम राम जी। तो वहाँ क्या है घर परेशान करता है। गर्मी तब घर पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं संभालने के लिए, यहाँ दो चार हैं वो हल्के से उसमें ना रोता जाता है, तो इसलिए मैं सोच रहा थोड़ी देर यहीं आराम कर लूँ। भाई 5 बज गए, मैगी खाने का मन कर रहा है, मैगी बनवा लिया। ये भाई बना रहे हैं, देखते हैं कैसी बनाते हैं। ये आ गई मैगी बेहतरीन खुशबू, खाते हैं इसे। और आ गए घर और गर्मी तो उठा हुआ मिला हमें है सोनी। रवि डॉन क्या हाल है और कॉफी बना के लाइए क्या तू बेटे। अच्छा पापा पास आएगा। अच्छा रवि कॉफी पिएगा। पी ली मैंने पापा। भाई शाम को यार ठंड बढ़ जाती, जैकेट निकल गई हमारी। सोनी गया मंदिर पे, मैं तो झरने पे चलते हैं, वो ला आ रहा हूँ भी, अंधेरा ना हो जाए जब तक। भाई मेरे को करीबन आधा घंटा हो गया है बैठे हुए इस नज़ारे को देखते हुए। सामने बद्रीनाथ धाम है, रात में कितना अच्छा लग रहा था। पीछे अलकनंदा रिवर बह रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत दिखाता हूँ आपको ये देखिए। आप ही बताओ ऐसे नज़ारे को देखने में कितना मज़ा आता है भाई, सुकून। फिर पीस की तलाश आपको गोवा में नहीं मिल रहा ना, जो पीस मनाली में नहीं मिला भीड़ भाड़ के चक्कर में, वो पीस आपको यहाँ मिलेगा, समझ रहे हो। मनाली ओवर क्राउडेड, मसूरी जहाँ भी भग रहे हो, यहाँ देखो अकेला बैठा हूँ मस्त। जो चीज़ इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होती है ना वही चीज़ है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। अब हम लोग झरने पे जा रहे हैं, सोनी आ गया अपने दोस्त को लेके, आज देखते हैं झरने को भी जाके पास से कैसा है। देखो भाई झरना पास से कितना प्यारा लग रहा है, कि झरने से पाइपलाइन आ रही है, तो यहाँ के लोग जो पानी पी रहे हैं ना झरने का ही पी रहे हैं। सोनी कैसा फील हो रहा है, सांस तो फूल रही होगी इसकी। चलो भाई बिल्कुल खतरनाक झरना है, दिखाते हैं आपको। उन्हें आदत है ना, मेरे को तो आदत है। अरे दोस्त की वो तो ना हो सकता है, क्यों पैच पैच सेटी बॉय है ये। Thank you.
पूरा फोन गीला, पूरी जैकेट गीली हो गई। इतना तगड़ा प्लेस है, जमने देखो कहाँ तक पानी जा रहा है। अब हम आगे और एक आध हिडन प्लेस चेक करने जा रहे हैं बद्रीनाथ की, ट्रैकिंग करने। आप हमारे पीछे ऊपर चढ़ के आए हैं, देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इतना प्यारा व्यू, इतना अच्छा सुकून मिल रहा है, पूरा बद्रीनाथ दिख रहा है यहाँ से, दिखाता हूँ मैं आपको। भाइयों सामने जो कुटिया दिख रही है ना, इन्हें तपस्वी मुनि कुछ भी मान सकते हैं, पूरा बद्रीनाथ खाली रहता है, मगर भाई ये यहीं पे रहते हैं साल भर, सारे बद्रीनाथ के लोग नीचे चले जाते हैं क्योंकि बहुत बर्फ़ पड़ती है, ओवर लिमिट। तो भाई इनको सैल्यूट है, ये तपस्या करते रहते हैं यहीं, राशन पानी सब इनका यहीं अवेलेबल रहता है, ये कहीं नहीं जाते, ना इन्हें आर्मी हटाती ना कोई हटाता। और कुटिया भी सबसे अलग ऊपर बना रखी है उन्होंने। यो अब टाइम हो गया व्लॉग ख़त्म करने का, शाम हो चुकी है, हम बैठे हुए हैं मस्त, तो यार पीसफुल जगह में बैठे हैं, मज़ा अलग ही आ रहा है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। Audio Jack.